स्टूडेंट्स अपने चल रहे हैं अपने क्लास टेंथ के लिए लेसन नंबर 10 चल रहा है। आपने जो पिछली वीडियो की थी उसमें प्रतिरोध उनके संयोजन के बारे में पढ़ लिया था। अब आज अपने का अपना टॉपिक रहेगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखो सबसे पहले समझो कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता क्या है। विद्युत धारा आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का तापीय प्रभाव, मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी अपने किसी चीज़ को ज़्यादा चला लेते हैं, मान लो पंखे का ऑप्शन देख लो, एग्जांपल ले लो, अगर पंखा अपने बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता रहता है तो वो अपने आप क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, विद्युत धारा का एक तापीय प्रभाव को बता रहे हैं। तो अब बता रहे हैं कि तापीय प्रभाव किस पे जो है डिपेंड करेगा, किस पे नहीं करेगा। अब आगे देखते हैं। देखो जब किसी बैटरी द्वारा किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, देखो बैटरी लगाएंगे किसी परिपथ में तभी धारा प्रवाहित होगी। हमने को पता है ये रहा, इधर देखो ये रहा बैटरी का साइन। तो बैटरी के भीतर संचित रासायनिक ऊर्जा का सतत रूपांतरण चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में हो जाता है। देखो ये जो बैटरी है इसके अंदर क्या संचित होते हैं, संचित मतलब भरे हुए होते हैं, रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा इस सेल के अंदर होती है और इस सेल को अपने क्या करेंगे, जब इसको परिपथ के अंदर लगाएंगे तो इस सेल का जो सतत जो रूपांतरण है रासायनिक ऊर्जा का किस में हो जाएगा, गतिज ऊर्जा के रूप में हो जाएगा। गतिज ऊर्जा मतलब वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगी, बहना वो आवेश स्टार्ट कर देंगे, तो उनमें रासायनिक जो उनकी ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदली जाएगी। अब आगे देखो इन्होंने बोला है कि गतिज चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की परमाणुओं से निरंतर टक्कर होने से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में क्षय होता है। जो चालक है ना उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इनकी निरंतर टक्कर होने से, टक्कर देखो आपस में जब भी विद्युत परिपथ जो है अपना वहाँ पर बहुत सारे आवेश एक साथ होंगे तो टकराएंगे तो सही, तो टक्कर से जो गतिज ऊर्जा है उसका क्षय होना, मतलब वो गतिज ऊर्जा जो है उसकी नष्ट होने लग जाती है और चालक का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इनके सपने क्या होता है कि जो पंखा चल रहा है उसमें भी यही सेम कंडीशन होती है कि जो गतिज ऊर्जा है उसका क्षय होने लगता है और चालक का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और पंखा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो अब देखो अतः बैटरी की जो रासायनिक ऊर्जा है चालक में उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। बैटरी के अंदर एक चीज़ याद रखना, हमेशा कौन सी ऊर्जा होगी, रासायनिक ऊर्जा होगी, और चालक में जो वो ऊर्जा जाएगी किस कौन से रूप में जाएगी, उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होने के बाद जाएगी, यहाँ पे परिवर्तन होगा ऊर्जा का। तो अब देखो उदाहरण के लिए कि विद्युत पंखा जैसे अभी अपने बात कर रहे हैं निरंतर चलता रहता है तो वह गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हो गई, ऊष्मीय ऊर्जा में इस बैटरी की वजह से, और उसके बाद क्या हो गया, गतिज ऊर्जा में क्षय होना शुरू हो गया और पंखा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब देखो यदि एक ऐसा विद्युत परिपथ लें जिसमें बैटरी के साथ विशुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ, प्रतिरोध देखो क्या काम करता है, इस टाइप से इसका साइन होता है प्रतिरोध का, अपने लेते हैं किसी परिपथ में लगाते हैं तो प्रतिरोध क्या करता है, धारा को कंट्रोल करता है, प्रतिरोध को अपने आर से लिखते हैं। अगर जितना प्रतिरोध जो है ज़्यादा अपने बढ़ाएंगे धारा का मान उतना ही कम होता जाएगा। तो देखो अपने क्या किया, परिपथ लिया, बैटरी जुड़ी हुई है उसमें क्या जोड़ दिया अपनों ने, प्रतिरोध जोड़ दिया, तो स्रोत की संपूर्ण ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में शहित हो जाती है। देखो जो भी जितनी भी ऊर्जा है पूर्ण रूप से किस में चेंज हो जाएगी, ऊष्मा में चेंज हो जाएगी और इस और उसका क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, क्योंकि पूरा जो पूरा अपनी बैटरी है उसका जितनी एनर्जी है सारी की सारी अपनी यूज़ कर ली जाती है तो उसका क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। और विद्युत धारा का ताप इसे क्या कहते हैं, तापीय प्रभाव कहते हैं। वो चीज़ों को गर्म कर देती है तो वो किसका क्या कहलाएगा, थर्मल इफेक्ट कहलाएगा, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। देखो इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री व विद्युत गीजर में किया जाता है। देखो नॉर्मली तीनों चीज़ें अपने विद्युत हीटर, गीजर और इस्त्री, यानी कि अपने प्रेस करते हैं कपड़े, तो ये तीनों चीज़ें अपने नॉर्मल घरों में होती हैं। तो आपने देखा होगा कि इनमें जब अपने ऊर्जा का प्रवाह होता है, आवेशों का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होता है, तो क्या हो जाता है, विद्युत इस्त्री, गीजर गर्म होता है, हीटर गर्म हो जाता है, इसी की वजह से अपने अपने दैनिक काम करते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसका अपने मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो मान ज्ञात करने के लिए अपने क्या आता है, विशुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध नहीं लिया, विशुद्ध प्रतिरोध ले रहे हैं, हमें तापीय प्रभाव से उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करना कि अपनी कितनी जो हीट है वो उत्पन्न हो रही है, इन केस को कब, जब उस परिपथ में क्या लगा हुआ, साथ में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। अब देखो माना कि एक विशुद्ध प्रतिरोध क्या है, तार है जिसे एक बैटरी से जोड़ा गया है, एक प्रतिरोध ले लिया, इसको किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया, तार का प्रतिरोध क्या हो गया, R, नॉर्मली अपने R से ही लिखते हैं किसको, अपने जो है प्रतिरोध है उसको अपने किससे लिखते हैं, R से लिखते हैं, तो इसमें भी अपने R ले रहे हैं, धारा को अपने I से लिखते हैं, I ले ली, व इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या है, V का मात्रक होता है वोल्टेज। तो देखो इतनी कंडीशन दे दी, क्या क्या दे दिया अपने को, प्रतिरोध आर दे दिया, धारा आई दे दी और मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या दे दिया,
वी दे दिया। अब देखो यदि तार में टी समय में, टी समय में क्या हो रहा है, टी समय में जो अपना है क्या वो वेश प्रवाहित होता है। देखो टाइमिंग दे दी यहाँ पे इन्होंने, क्या दे दी अपने पास, टी दे, टाइम टी दे दिया अपने को। देखो टी टाइम में कितना जो आवेश प्रवाहित हो रहा है अपना, क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो तार के स्वरूप उत्पन्न जो विभवांतर है वो क्या होगा, टी होगा। तो अब देखो अब टी समय में क्यों आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या होता है, आवेश गुना विभवांतर। ये आपका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कार्य बराबर क्या हो गया, आवेश इंटू विभवांतर। कार्य को अपने किससे ले रहे हैं, डब्ल्यू से, आवेश अपने हमेशा क्यू से लेते हैं, और विभवांतर को किससे लिखते हैं, हमेशा वी से लिखते हैं। तो अपने पास एक इक्वेशन आ गई, डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, Q और V, Q और V का गुणनफल आ गया। अब यहाँ पे देखो I का मान अपने निकाला था सबसे स्टार्टिंग में, I का मान क्या आता है बता, देखो Q अपॉन में T, कि T समय में इकाई समय में जितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं वो क्या कहलाता है, उस परिपथ का विद्युत धारा का मान कहलाता है। तो यहाँ पे देखो अपने क्या कर रहे हैं, हमने दोबारा देखो I बराबर Q अपॉन में T ले रहे थे। अब अपने यहाँ पे देखो अपने को Q का मान चाहिए, तो यहाँ से Q का मान निकाला तो T कहाँ चला जाएगा, इस साइड में, तो ये अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा Q बराबर I T, Q बराबर I इंटू T। इस Q बराबर I इंटू T को इस Q की जगह रख देंगे, देखो कैसे रखना है, देखो यहाँ पे इसको इसकी जगह पे रख दिया, तो W बराबर अपने पास क्या आ गया, I T इंटू V। एक फॉर्मूला आ गया अपने पास, किसका, कार्य का फॉर्मूला आ गया, W बराबर I T V। एक बार इसको आप याद रखना, अपने आके देखते हैं क्या डेरिवेशन के लिए। देखो स्रोत द्वारा T समय में निवेशित ऊर्जा क्या होती है, वी आई टी, ऊष्मा में परिणित होगी। अब देखो T समय में उत्पन्न ऊष्मा को अपने क्या बोल दिया, H बोल दिया, और H बराबर क्या होगा अपना, वी आई टी ले रहे हैं अपने। वी आई टी कैसे आ रहा है, देखो H बराबर अपने एक पास ये इक्वेशन है, H बराबर आई स्केयर आर इंटू टी आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, देखो आगे इन्होंने सूत्र दिए हुए हैं, कैसे देखो, उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि प्रतिरोध तार में उत्पन्न ऊष्मा, ऊष्मा को अपने किससे ले रहे हैं, एच से, हीट, हीट बोलते हैं इसको, एच से ले रहे हैं। तो यदि दिए गए प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, विद्युत धारा को अपने किससे लिखते हैं, आई से, आई का क्या बोल रहे हैं, धारा का वर्ग, यानी कि धारा की स्केयर, किसके समानुपाती है ये, उस हीट के समानुपाती है, यानी कि एच समानुपाती किसके है, आई स्केयर के, कि मतलब अगर जितनी धारा, अगर हीट बढ़ रही है तो धारा कितनी हो जाएगी, दुगनी रूप में बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो उन्होंने, ये तो एक फर्स्ट केस हो गया, अब दूसरा देखो इन्होंने क्या किया, दिए गए प्रतिरोध के समानुपाती होती है, जो अपने पास हीट है वो किसके समानुपाती हो रही है, जो भी परिपथ में प्रतिरोध लगा है, प्रतिरोध को किससे लिखते हैं अपने, आर से, तो एच समानुपाती आर हो गया। अब तीसरा देखो, प्रतिरोध में धारा प्रवाह के समय टी समानुपाती होता है, कि जैसे जैसे देखो एच समानुपाती टी दे दिया, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ऊष्मा भी क्या होगी, टाइम के साथ कम नहीं होगी, टाइम के साथ बढ़ती जाएगी। तो देखो अपने पास तीन सूत्र आ गए यहाँ पे, एच समानुपाती आई स्केयर, एच समानुपाती आर, और एच समानुपाती टी। तो इसको अगर अपने इस तरह से लिख दें कि एच समानुपाती क्या हो गया, आई स्केयर, साथ में क्या लिख दिया, आर, साथ में क्या आ गया, टी, तीनों का मिला जुला रूप लिखा है। तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, समानुपाती को निशान हटा के क्या लगाते हैं अपने, बराबर लगाते हैं, लिखो आई स्केयर आर टी, ये फॉर्मूला आ गया देखो बिल्कुल इसके जैसा। अब ये बात आती है कि अगर अपनों ने ये समानुपाती का निशान हटाया है तो कोई ना कोई कांस्टेंट या कोई ना कोई स्थिरांक हमेशा आता ही आता है, लेकिन यहाँ पे अपने स्थिरांक क्या मान रहे हैं कि अपने पास क्या है, स्थिरांक का मान अपने पास एक है, तो एक को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक ही आएगा, तो इसलिए अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एच बराबर आई स्केयर आर इंटू टी। ये किसका अपने पास फॉर्मूला आ गया, ये हीट का फॉर्मूला आ गया। देखो ये तो आ गया, इससे अपने जो ये फॉर्मूला आया ना अपने पास, कौन सा फॉर्मूला, देखो ये वाला, इसे अपने क्या कहते हैं, जूल का तापन नियम भी कहते हैं। अगर कोई पूछ ले कि जूल के तापन नियम का सूत्र बताओ या इसको कैसे आप याद कर सकते हो, तो आपको ये पूरी की पूरी जितनी भी प्रोसेस है इसे फॉलो करना होगा। तो जूल का तापन नियम अपना हो गया। अब अपने आगे का टॉपिक है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। देखो किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। किसी परिपथ में प्रवाहित धारा धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड, टाइम क्या ले लिया, टी, टी टाइमिंग ले लिया अपने, प्रति सेकंड किया गया कार्य, कारक को किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से, किसके बराबर कहलाता है, विद्युत शक्ति K
के बराबर कहलाते हैं। विद्युत शक्ति को यहाँ पे पी से लिख रहे हैं, पी का मतलब यहाँ पे पावर से है, तो इसको अपने इसका फर्स्ट जो अल्फा बीटा वो उठा रहे हैं, पी बराबर क्या आ गया अपने पास, डब्ल्यू अपॉन में टी। इसी अपने जो अपने पास परिभाषा है इसी से ज्ञात किया है। दोबारा देख लो, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य, प्रति सेकंड में किया गया कार्य डब्ल्यू क्या कहलाएगा, विद्युत शक्ति पी कहलाता है। तो पी बराबर अपने पास क्या फॉर्मूला आ गया, डब्ल्यू अपॉन में टी। अब देखो, अभी हमने देखा विशुद्ध प्रतिरोध में निवेशित कार्य ऊर्जा बराबर क्या है, वी आई टी, अभी अपनों ने पीछे पीछे किया था। तो विशुद्ध प्रतिरोध में निवेशित शक्ति, देखो पी बराबर डब्ल्यू अपॉन में अपने पास था ही, ठीक है, डब्ल्यू बराबर वी आई टी। अपने पास एक फॉर्मूला पहले से आया हुआ है, डब्ल्यू का यहाँ पे मान रखो, क्या रखा अपनों ने, डब्ल्यू बराबर क्या रख दिया, वी आई टी, एक नीचे अपने पास टी ऑलरेडी था, टी से क्या हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, तो पी बराबर क्या आ गया अपने पास, वी आई। वी बराबर आई आर, ओम के नियम से क्या होता है, वी बराबर आई आर, यहाँ पे अपनों ने क्या रख लिया, वी बराबर आई आर किससे, ओम के नियम से, ठीक है। तो ओम के नियम आपको पहले करवाया हुआ, एक बार देख लेना। तो यहाँ पे वी का पान अपनों ने क्या रख दिया, आई आर, एक आई पहले से था, तो क्या हो गया, आई आई की स्क्वेयर। तो पी बराबर अपने पास क्या फॉर्मूला आ गया, आई स्क्वेयर आर, अपने पास ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी इकाई की, इकाई देखो, इकाई क्या हो जाएगी इसकी, जूल प्रति सेकंड। पी की पावर की इकाई क्या हो जाती है, जूल पर सेकंड। इसे इतना बड़ा कौन लिखे, इसलिए अपने इसको क्या बोल देते हैं, वाट भी बोल देते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। अब देखो आगे, वाट शक्ति का छोटा मात्रक है, अपने बिल्कुल छोटे रूप में अगर शक्ति को ले रहे हैं तब अपने इसका मात्रक क्या लेंगे, वाट लेंगे। अदरवाइज अगर बड़े मतलब अपने वेव बेस को ले रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, बड़े मात्रक में किलोवाट, ठीक है, मेगावाट अश्व शक्ति। देखो कैसे, एक किलोवाट, एक के डब्ल्यू, किलोवाट का अपने लिखा हुआ है, ये कितना होता है, 1000 वाट होते हैं उसमें, इसको क्या लिख सकते हैं अपने, 10 की पावर 3 वाट, क्योंकि 3 इसके अंदर 0 अपने पास है। उसके बाद मेगावाट ले लिया तो उसमें क्या होगा, 10 की पावर 6 वाट होंगे। और एक अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, एक HP मतलब हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, 746 वाट के बराबर होती है। तो यहाँ पे वाट का सबसे छोटा मात्रक है ये, इनके तीनों के तीनों बड़े मात्रक दर्शाए गए हैं। अब आगे देखो, ये तो चलो होगी मात्रक की बात, अब देखो चूँकि विद्युत ऊर्जा शक्ति, विद्युत शक्ति व समय के गुणनफल के बराबर होती है, क्या हो गया, अपने विद्युत ऊर्जा ले रहे हैं, विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल के बराबर होती है। विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होगी, विद्युत शक्ति पी की और समय के गुणनफल के समानुपाती होगी। कैसे, देखो विद्युत शक्ति अपने ले रहे हैं, ऊर्जा ले ली, विद्युत शक्ति पी ले ली और समय टी, देखो इसलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलो वॉट घंटा होता है। विद्युत का मात्रक कितना हो गया, वॉट, और समय का मात्रक अपनों ने क्या ले लिया, घंटा, वॉट और घंटा, आवर्स, आवर बोलते हैं इसको, तो इसलिए एच ले रहे हैं, तो वॉट घंटा हो गया। जब वॉट शक्ति का उपयोग 1 घंटे में होता है तो उपयुक्त ऊर्जा का वॉट घंटा होता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, देखो जब तो अपने ले रहे हैं कि 1 घंटे के बारे में ले रहे हैं, तो ऊर्जा का अपने क्या बोलेंगे, 1 वॉट घंटा बोलेंगे, ठीक है। और अगर विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक ले रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपने, देखो आगे, किलो वॉट घंटा। नॉर्मल अपने बात करते हैं तो उसको वॉट घंटा बोलेंगे, और अगर व्यापारिक रूप से कहा जाए तो उसको क्या बोलेंगे, किलो वॉट घंटा, KWH, ये है किलो, ये है वाट और आवर्स यानी कि घंटा, जिसे अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। देखो घरों में अपने मीटर लगे होते हैं तो उनके अपने रीडिंग वगैरह देखते हैं तो अपने ये मतलब नॉर्मल ये बोलते हैं कि कितनी यूनिट बिल आया है, तो 150 आया है, 200 यूनिट बिल आया है, तो वो क्या होता है अपना, किलो वाट घंटा ही होता है, अपने उसको नॉर्मल भाषा में यूनिट कह देते हैं हम। देखो 1 किलो वॉट में, 1 किलो वॉट घंटा में जो जूल की संख्या कितनी होगी, देखो देखते हैं, 1 किलो में अभी अपनों ने बात करी थी, 1 किलो वॉट के अंदर कितने मतलब इसके जूल होएंगे, 10 की पावर 3 वॉट होएगा, 1 किलो वॉट के अंदर कितना होएगा, 10 की पावर 3 जूल होएगा। अब इसको घंटे को अपने इस किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेकंड में कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो एक बार अपने किस से गुना कर दिया, 60 से कर दिया, फिर 60 मिनट को किस में चेंज कर रहे हैं अपने, सेकंड में, तो फिर किस से गुना कर दिया अपने, 60 सेकंड में गुना कर दिया, तो किससे हो गया, 60 से दो बार गुना हो गया, 10 की पावर 3 × 60 × 60 वॉट सेकंड। तो देखो इनको आपस में गुना करेंगे तो अपने पास 36 × 10 की पावर 5 इसका मान आ जाएगा, और इसका मात्रक क्या हो जाता है अपने पास, जूल। तो
एक किलो वॉट में जूल की संख्या कितनी होती है अगर कोई पूछे, तो 36 × 10⁵ जूल होती है। देखो अगर अपने विद्युत ऊर्जा जो यूनिट है उसको निकालने के लिए अपने क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मूला दिया हुआ है अपने को। देखो खपत विद्युत ऊर्जा कैसे निकालते हैं, अपनी शक्ति जितनी है उसको समय को घंटे में ले रहे हैं और बटा में डिवाइड किससे करना है, 1000 से करते हैं। देखो इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हो, इससे समझो इसको। देखो इन्होंने क्या बोला है कि दो बल्ब हैं 100 वॉट के प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं, तो 1 महीना 30 दिन में कितनी यूनिट ऊर्जा जो विद्युत है ऊर्जा वह होगी। तो देखो यूनिट में निकालना है पी वॉट समय घंटे में बटा में 1000। देखो वॉट कितना है अपने पास, 100, ठीक है। उसके बाद अपने पास कितना टाइम चल रहा है, वो दो बल्ब चल रहे हैं, ठीक है, 2 × 100 200 हो जाएगा। उसके बाद देखो अपने पास समय कितना है, 1 महीना, 1 महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, और 30 दिन में प्रतिदिन कितना चल रहा है, 8 घंटे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 × 30 × 8/1000। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अपने पास कितना मान आ जाएगा, 48 यूनिट अपना इसका मान आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अपना विद्युत शक्ति और इलेक्ट्रिक जो पावर थी वो सब कुछ हो चुका है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।